योगी सरकार भले ही महिला अपराधों को कारित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही हो, मगर बावजूद इसके यूपी में महिलाओं के प्रति अपराध कम होते नजर नहीं आ रहे। ताज़ा मामला दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां एक गैंगरेप पीड़िता को सिर्फ इसलिए आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि उसे इंसाफ नहीं मिला। हालांकि बुलंदशहर SSP ने इस मामले में लापरवाही बरतने पर विवेचक को सस्पेंड कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में अपराधियों के हौसले बुलंद है और हैवान लगातार बहन बेटियों को अपना शिकार बना रहे हैं। बुलंदशहर में भी महिला अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला अनूपशहर इलाके का है, जहां BA LLB की एक छात्रा ने सिर्फ इसलिए फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली क्योंकि गांव के ही एक युवक ने पड़ोसी गांव के साथ ही और अलीगढ़ निवासी के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना 16 अक्टूबर की बताई गई, जब आरोपी मृतका को शादी का झांसा देकर अपने साथी के साथ रिश्तेदार के घर ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता ने मामला दर्ज कराया, मगर मामले जांच के बाद मामले फर्जी मानते हुए विवेचक ने मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी न किए जाने से आहत हुई छात्रा ने अपने घर में फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस ने मृतक छात्रा के पास एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसका कारण यह है साहब कि 3 तारीख को, पिछले महीने की 3 तारीख को मेरी बेटी को कमरुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ उठाया और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया, जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो जैसे तैसे जान बचा के भागी और घर पहुंची, उसने सारा वृत्तांत बताया हमें, तो हमने रिपोर्ट दर्ज करी। अच्छा, फ़ोन पे फिर कमरुद्दीन ने माफ़ी मांग ली कि मैं, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुझसे शादी कर लूँगा, मैं तुझे बहुत खुश रखूँगा। उसके बाद दोबारा 16 तारीख को बुलाया रोड पर गांव के बाहर, और वहां पे बोला था कि मैं अकेला हूं, लेकिन वहां ये 3 लोग थे। अबरार, कमरुद्दीन और मुबीन, और जैसा कि लड़की ने हमें बताया साहब, उसके आधार पे हमने कार्रवाई की, रिपोर्ट भी लिखवाई, 24 तारीख को मुकदमा दर्ज किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब, और हार के आज मेरी बेटी ने जान दे दी। मृतक मेरी भतीजी है, मेरे बड़े भाई की बड़ी लड़की। अब से कुछ टाइम पहले एक लड़का और उसका खाला का लड़का और उसका एक रिलेशन में, उनने लड़की को बुलाया शादी के झांसे के लिए कि शादी कर लेंगे, कोई मैटर रहा उनका, शादी कर कह के बुलाया। तीनों ने उनके साथ दुष्कर्म किया, हालत बुरी की, उसके बाद एक स्थान पर छोड़ दिया, जाके लड़की को घर से लाए, FIR की। FIR के बाद एक दरोगा राठी हैं, उन्होंने ये दिलासा देते रहे, सबर देते रहे घर वालों को कि करेंगे। मैक्सिमम 20 दिन के बाद, अभी तो कोई एक्शनली 20-22 दिन हो गए, उसके बाद लड़की ने देख लिया उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है, उसकी फैमिली, हम, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लड़की ने सुसाइड कर ली, उसने सुसाइड में क्लियर लिखा है कि जिन्होंने मेरे साथ गलत किया उनके साथ कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ये घटना को लेके अभी यहाँ पोस्टमार्टम के लिए आए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। वही मामला संज्ञान में आने पर बुलंदशहर SSP संतोष कुमार सिंह ने मुकदमे के विवेचक को तत्काल निलंबित कर दिया है। साथ ही SSP दावा करते हैं कि इससे पहले भी मृतका द्वारा एक आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ की FIR कराई गई थी, मगर CGM के सामने 164 के बयान के लिए पेश करने पर पीड़िता ने बयान बदल दिया था। SSP ये भी दावा करते हैं कि दोबारा पीड़िता द्वारा जो गैंगरेप की FIR कराई गई थी, उसमें भी आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। देखिए, थाना अनूपशहर के एक गाँव में एक 19 वर्षीय लड़की के द्वारा आत्महत्या करने का मामला आज जानकारी में आया है। इसमें उल्लेखनीय है कि इस लड़की के द्वारा दिनांक 3/10/20 को एक मुकदमा एक कमरुद्दीन जोशी के गांव का है, उसके खिलाफ लिखाया गया था, जिसमें धारा 366 अपहरण करने, छेड़खानी करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे। मुकदमा पंजीकृत होने के तत्काल बाद ही लड़की का कहना था कि यह मुकदमा परिवार वालों के दबाव में उसने लिखाया है और उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, और वो अपनी एक सहेली के घर से नाराज होकर के चली गई थी, जहां से वो सुबह अपने घर वापस गई। फिर लड़की का अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया, जहां लड़की ने इस घटना से पूरी तरह इनकार किया और 164 के उसके बयान के आधार पर उक्त मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लग गई। पुनः दिनांक 16/10 की घटना दर्शाते हुए 24/10 को लड़की के द्वारा एक दूसरा मुकदमा फिर उस लड़के कमरुद्दीन और पड़ोसी गांव के अबरार
और उस कमरुद्दीन के मामा मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का है, ये तीन के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि कमरुद्दीन ने फ़ोन करके मुझे बुलाया सुबह 4 बजे, और जब मैं गई तो मुझे साथ लेकर के तीनों लोग छर्रा अलीगढ़ गए, जहां पर इनके द्वारा मेरे साथ बलात्कार किया गया और धमका करके ई रिक्शा से वापस भेज दिया गया। इस प्रकरण की जांच के दौरान ये पाया गया कि कमरुद्दीन की लोकेशन तत्समय जब घटना बताई जा रही थी तो फरीदाबाद हरियाणा में थी, और उसके मोबाइल से न तो कोई मैसेज न ही कोई कॉल इस लड़की के मोबाइल पे किया गया था। अबरार की लोकेशन अपने गांव में पाई गई, और मुबीन जो छर्रा अलीगढ़ का था उसकी लोकेशन अलीगढ़ में पाई गई। तो प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे इस FIR में, कहीं से उसकी पुष्टि नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी विवेचक को जिस तत्परता के साथ इस प्रकरण को सॉल्व करना चाहिए था वो नहीं की गई, जिसके परिणाम स्वरूप विवेचक को आज निलंबित कर दिया गया है। और आज लड़की ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें इन तीन लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार माना है। पिता की तहरीर के आधार पर इन तीनों के विरुद्ध 306 IPC का अभियोग दर्ज कर इनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। प्रकरण में क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी की शिथिलता के संबंध में अलग से एक जाँच पुलिस अधीक्षक अपराध के द्वारा कराई जा रही है। हालांकि छात्रा की मौत के बाद बुलंदशहर SSP ने मुकदमे की जांच करने वाले विवेचक को निलंबित करते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच शुरू कर दी, मगर जिस तरह छात्रा ने सुसाइड नोट में पुलिस की जांच पर सवाल खड़े किए, तो उसके बाद कई सवाल उठने लाजमी हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।